जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी हमला, बाजार में टैक्सी स्टैंड के पास ग्रेनेड से किया गया हमला, हमले में 5 लोग घायल। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक, बैठक में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई नेता मौजूद, विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बुलाई गई है बैठक। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर साधा निशाना, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का लगाया आरोप, क्रूज ड्रग्स केस की जांच कर रहे हैं समीर वानखेड़े। यूपी विधानसभा चुनाव पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की नजरें, ममता बनर्जी छठ पूजा के बाद वाराणसी का करेंगी दौरा, दो बड़े कांग्रेसी नेताओं के टीएमसी में शामिल होने का किया ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक चल रही है और इस बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेता मौजूद हैं। ये बैठक सदस्यता अभियान, महंगाई के मुद्दे पर शुरू होने वाले जन जागरण अभियान और अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा के लिए बुलाई गई है। इसके अलावा इस बैठक में लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी और नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें, बीती 16 अक्टूबर को हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठनात्मक चुनाव का कार्यक्रम तय करने के साथ ही ये निर्णय लिया गया था कि आगे आने वाले 1 नवंबर से कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएगी, जो अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। इसके साथ ही फैसला हुआ था कि 14 से 29 नवंबर के बीच महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण अभियान भी चलाया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन 5 राज्यों में से पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो फिर से राज्य की सत्ता पर काबिज हो। बीते दिनों में पंजाब कांग्रेस में भारी सियासी बवाल भी देखने को मिला था, जिसकी वजह से विपक्ष को निशाना साधने का मौका मिल गया था। ऐसे में पंजाब कांग्रेस और वहां की सरकार में हुए बदलावों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बाद में इस्तीफा दे दिया। वहीं अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाकर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया गया है। अब कैप्टन अमरिंदर ने भी अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। समीर वानखेड़े पर उगाही के आरोप की वजह से उठे विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में ड्रग्स केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नया आरोप लगाते हुए उन पर जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगाया है। इसी मामले में मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ट्वीट कर एक सर्टिफिकेट ट्वीट भी किया जिसमें वानखेड़े का असली बर्थ सर्टिफिकेट बताया जा रहा है। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर कई बातें सामने आई हैं। नवाब मलिक ने कहा कि हमने किसी परिवार को बदनाम नहीं किया है, मैं धर्म के आधार पर किसी पर सवाल नहीं उठा रहा, मैंने जो बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट किया वो असली है। उन्होंने कहा कि वानखेड़े ने किसी दलित भाई का हक छीना है, हम उस दलित भाई को उसका अधिकार दिलाकर ही रहेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी प्रमुख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नजरें अब यूपी के विधानसभा चुनाव पर हैं। ममता बनर्जी छठ पूजा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगी और यूपी के दो बड़े कांग्रेसी नेता के टीएमसी में शामिल होने के बाद ममता बनर्जी ने वाराणसी दौरे का ऐलान किया है। एक बयान के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा है कि टीएमसी में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, दोनों नेताओं का शामिल होना इस बात की गवाही दे है कि हम अब राष्ट्रीय पार्टी हैं जो बीजेपी को असली चुनौती दे सकती है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हमें बीजेपी से लड़ने के लिए आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कांग्रेस पिछले 15 सालों में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने में विफल रही है। ममता बनर्जी ने बताया कि टीएमसी में शामिल हुए यूपी के दो बड़े नेताओं ने उन्हें वाराणसी आने के लिए आमंत्रित किया है और वो छठ पूजा के बाद वहां पर जाएंगी। ममता ने कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है जो हमें रोक सकती है। लक्ष्मण रेखा दंगा भड़काने वालों के लिए होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी शासित गोवा, त्रिपुरा, यूपी में इसके उलट होता है। ममता ने कहा कि बीजेपी सरकार हाथरस और लखीमपुर में दलितों, महिलाओं, किसानों पर अत्याचार करती आई है।
जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी वारदातों सामने आ रही है और ऐसे में मंगलवार को एक बार फिर से वहां के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया गया है। इस हमले में 5 स्थानीय लोग घायल बताए जा रहे हैं और मौके पर सुरक्षा बलों को मौजूद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि बांदीपोरा के संबल ब्रिज इलाके में आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया और इस घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं, जबकि विस्तृत जानकारी का अभी भी इंतजार है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां जारी हैं। आपको बता दें बांदीपोरा में सुरक्षा बलों के निशाना बनाने की कोशिश की गई और ऐसे में सुरक्षा बलों की गाड़ी किसी कुछ ही दूर पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें आसपास के 5 से ज्यादा और ऐसे लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिजनौर में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बड़ौदा किसान पखवाड़ा का आयोजन किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 5,20,00,000 रुपए का किसानों का ऋण वितरित किया गया। बिजनौर में किसान पखवाड़े और क्रेडिट आउटरीच के तहत जिले में वृत कृषि मेले और ऋण वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इस मेले में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर अवधेश मिश्रा, डॉक्टर संजीव वर्मा भी मौके पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय प्रमुख हरीश कुमार अरोड़ा, उप क्षेत्रीय प्रमुख AK पांडे और मुख्य प्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने भी हिस्सा लिया। आज बैंक ऑफ बड़ौदा ने हमारे बिजनौर जिले में हमने वर्ल्ड फूड डे के उपलक्ष में हमने कृषि खाद्य दिवस का आयोजन किया, जिसमें 200 से अधिक किसानों ने पार्टिसिपेट किया। हमने इसमें 5 करोड़ से ऊपर के ऋण वितरण किए एवं हमने 20 से ज़्यादा फार्मर्स को सम्मानित किया। डेयरी आप कर सकते हैं, पशुपालन के साथ जो है आप मिल्क प्रोसेसिंग कर सकते हैं, साथ में कृषि आधारित जो उद्योग लगाते हैं, यहाँ हमारे पास कृषि आधारित जिनके बहुत ही सफलतापूर्वक उद्योग चल रहे हैं वो भी उद्योगपति हमारे पास बैठे हैं। यहाँ अरुण अग्रवाल जी बसी कीरतपुर के बहुत ही हमारे सम्मानित ग्राहक भी हैं। बाराबंकी में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर बाराबंकी के देवा कोतवाली क्षेत्र में बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में आमने सामने की भीषण टक्कर हो गई। बस ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में सामने से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को बाराबंकी जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो बाराबंकी का ये पूरा मामला है, जहाँ पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की आमने सामने की भिड़ंत हो गई और भिड़ंत इतनी ज्यादा तेज थी कि 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में। और ऐसे में तस्वीरें देख सकते हैं कि ट्रैक्टर के किस तरह से परखच्चे उड़ गए हैं, ये तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इतनी भीषण ये टक्कर थी कि ऐसे में ट्रैक्टर पूरी तरह से परखच्चे ट्रैक्टर के उड़ गए और ट्रैक्टर में बैठे 2 लोगों की जान चली गई, जबकि 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। क्षेत्र में एक प्राइवेट बस जो देवरिया की तरफ जा रही थी और एक ट्रैक्टर आ रहा था, दोनों में एक्सीडेंट हो गया। करीब 14 लोग अभी तक घायल हैं और 2 की मृत्यु हो चुकी है। 2 लोग घायल हैं, उनका सदर अस्पताल बाराबंकी में इलाज चल रहा है। क्या घटना, क्या पता चला, कैसे नेग्लिजेंसी कहां से है? अब वो जांच के बाद पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है। कितने लोग सवार थे ट्रैक्टर में? अभी जानकारी नहीं सर। बस वाले घायल, हम लोगों की प्राथमिकता यही थी कि जो घायल हैं उनको किस तरह से बचाया जाए और उनको सदर अस्पताल तत्काल ला करके उनका इलाज कराया गया। सर क्या बस में जो बैठे थे वो लोग भी चोटिल हुए? हाँ, वो भी चोटिल हुए, बस और ट्रैली दोनों। हाँ, दोनों। कुल 14 लोग? हाँ, कुल 14 लोग अभी तक जो यहाँ पर सदर अस्पताल में आए हैं। एक और जहां केंद्र से लेकर यूपी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सशक्तिकरण अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की तरफ से महिलाओं का उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जहां फिरोजाबाद के टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात महिला टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक संजीव वर्मा की कार को साफ कर रही थी। बताया जा रहा है कि अक्सर सफाई कर्मचारी महिलाओं से टूंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
केंद्र में तैनात डॉक्टर अपनी अपनी गाड़ियां साफ कराते हैं। इससे ये साफ है कि सरकार के आदेश अनुसार अधिकारी महिला सशक्तिकरण अभियान चलाकर दिखावा तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है, जो इस वीडियो में साफ देखी जा रही है। अब देखना ये होगा कि शासन और प्रशासन इस संबंध में क्या कार्रवाई करता है। तो फिरोजाबाद की ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से महिला से डॉक्टर अपनी गाड़ी साफ कराते हुए नजर आते हैं और महिला गाड़ी साफ करती हुई नजर भी आ रही है। हालांकि ऐसे में केंद्र सरकार और यूपी सरकार महिलाओं की आगे बढ़ाने की बात करती है, महिला सशक्तिकरण अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन उसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं और अधिकारी ही सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। मथुरा में पैरावेट पशु मित्र संघ वेलफेयर एसोसिएशन मथुरा के तत्वाधान में पैरावेट पशु मित्र कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी के आवास पर धरने पर बैठ गए। पशु मित्रों का कहना था कि वो काफी समय से पशु विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पशु विभाग के तमाम कार्यों की को उनकी तरफ से किया जाता है, लेकिन अभी तक उनका मानदेय विभाग की तरफ से नियमित नहीं किया गया है। वहीं पशु मित्रों ने कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को मानदेय नियमित करने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा और मांग की कि उनका मानदेय नियमित किया जाए और उनका बीमा कराया भी जाए। तो मथुरा का ये पूरा मामला है जहाँ पर मानदेय नियमित किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं और ऐसे में कैबिनेट मंत्री के घर के बाहर पशु मित्रों का ये धरना देखने को मिला। धरना बिना पूर्व सूचना के कभी नहीं दिया जाता है। दूसरे नंबर, कभी भी हमारे रेजिडेंस पे धरना मेरे 36 साल के राजनीतिक जीवन में ये पहला है, कभी भी रेजिडेंस पे नहीं दिया जाता, इसलिए धरना इनका पूरी तरह से। तीसरी बात ये है, ये कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है। चौथी बात ये है, एक अब पहले 50 पैसे AI के दिए जाते थे, अब 50 पैसे की जगह हमने 2 रुपए कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के बेटा टू थाना क्षेत्र में एक अल्फा 2 मार्केट में स्थित अग्रवाल स्वीट्स में आग लग गई। आग लगने की वजह से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही बताया जा रहा है कि आग लगने के दौरान दुकान में रखा गैस सिलेंडर भी फट गया था, जिससे आग और ज्यादा भयावह हो गई थी। फिलहाल दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है और आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा का ये पूरा मामला है जहां पर अग्रवाल स्वीट्स में भीषण आग लग गई। हालांकि आग लगने की वजह भी शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन दुकान में सिलेंडर फटने की वजह से आग और ज़्यादा भयावह हो गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। केजरीवाल ने हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान भी किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के सभी लोगों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त में दर्शन कराए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं चाहता हूँ कि हर भारतवासी को ये सौभाग्य मिले। केजरीवाल ने कहा कि हम 2 काम करने वाले हैं। पहला, हम दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री तीर्थ योजना चला रहे हैं। इसके तहत लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाती है। कल सुबह दिल्ली कैबिनेट की विशेष बैठक भी बुलाई गई है और बैठक में हम अयोध्या को भी मुख्यमंत्री तीर्थ योजना में शामिल करेंगे। अब दिल्ली के लोग राम जन्मभूमि के भी मुफ्त में दर्शन कर सकेंगे। वहीं अगर यूपी में हमारी सरकार बनी तो हम सभी प्रदेशवासियों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त में दर्शन भी कराएंगे।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनावों में पराजय की आशंका की वजह से बीजेपी जगह जगह पर लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित कर रही है। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किए जाने के सवाल पर कहा कि अब चुनाव नजदीक है और जनता बीजेपी को हराने जा रही है, इसीलिए इस पार्टी की सरकार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि प्रदेश में मौजूद मेडिकल कॉलेजों को बजट नहीं दिया जा रहा है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बन रहे उस चिकित्सा विश्वविद्यालय को अभी तक क्रियाशील नहीं किया गया जिसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हवाई जहाज में हुई मुलाकात को लेकर जब सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा अब अगली बार कोशिश करेंगे कि मास्क लगा कर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने पूछा कि आखिर सहारनपुर, बदायूं, आगरा, कानपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, झांसी, बांदा और आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज, यहां तक कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को सरकार की तरफ से धन क्यों नहीं दिया जा रहा, जब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन बेड, दवा और इलाज की जरूरत थी तब ये सरकार कहां थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उस वक्त सरकार ने लोगों को अनाथ छोड़ दिया था। बाराबंकी में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव गांव के बाहर पार्क में पेड़ के सहारे रस्सी से लटका मिला। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और युवक के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। शव पोस्टमार्टम से वापस आने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई न होने से गुस्साए लोगों ने बाराबंकी जैतपुर मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया। जाम के दौरान परिजन और ग्रामीण तहरीर में नामजद किए गए लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन के बाद जाम को खोल दिया गया, तब जाकर यातायात सुचारू हो सका। आप ही के गांव के रहने वाले थे? कोई विवाद चल रहा था क्या उनसे? रास्ते के चल के इनका विवाद हो रहा था। 6 अप्रैल की बात है, एक कुत्ते के विषय में लड़ाई हुई थी। इन्होंने हमारे ऊपर ST/ST मुकदमा बलात्कार दुनिया भर की चीज लिखा है। मऊ में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के लोगों ने अपनी कई मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर दिया है। संगठन के लोगों की तरफ से 18 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया था, जिसको लेकर ऊर्जा मंत्री के साथ बातचीत भी हुई थी कि इनकी मांगों को मान दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं होने पर एक बार फिर से कार्य बहिष्कार कर दिया गया। और इनकी सरकार से प्रमुख मांगे हैं कि 24 घंटे काम करते हैं लेकिन हम लोगों को संसाधन नहीं मिल पाता है, जिससे सप्लाई को चला पाना कठिन हो गया है। हम लोगों का ग्रेड के हिसाब से वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। साथ ही कोरोना काल के दौरान हमारे साथ साथी की जान भी चली गई थी, जिसके लिए उनको 50 लाख का अनुदान मिलना था जो अभी तक नहीं मिला, और ऐसी बहुत सी मांगे हैं जो पूरी होनी अभी तक बाकी हैं। जो 18 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया था उसके संदर्भ में जो है 7 सितंबर से हम लोग का आंदोलन चल रहा था, जिसके बीच में क्रम में कई वार्ताएँ भी हुई और 14 तारीख को ऊर्जा मंत्री जी के आश्वासन पर 10 दिन तक के लिए स्थगित हुआ था। उसके बाद फिर भी न्याय ना होने के कारण हम लोग आज 25 तारीख से 3 से 5 जो है कार्य बहिष्कार है, जहाँ नगर विरोध सभा है। उसके बाद 26 तारीख को 3 से 5 से 27 तारीख को दिन भर का कार्य बहिष्कार है, और 28 तारीख को भी दिन भर का कार्य बहिष्कार है, और शाम को 5 बजे मसाल जुलूस का कार्यक्रम है, और 29 तारीख से हम लोगों का जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। बिहार में पुलिस पर हमलों की खबर आम बात हो चुकी है। धीरे धीरे पुलिस का खौफ लोगों से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर जिले का है, जहां एक बार फिर पुलिस अधिकारियों पर हमला करने का मामला सामने आया है। दरअसल पंचायत चुनाव के दौरान 2 प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हो गई और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। वहीं घटना की सूचना हथौड़ी थाना पुलिस को मिली, जिसके बाद मामले को सुलझाने के लिए गई पुलिस टीम पर ही उपद्रवियों ने हमला कर दिया और गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। हमले के दौरान 6 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान इस घटना में 10 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं।
मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन के सीनियर बुकिंग क्लर्क के घर चोरी हो गई। मोहम्मद इम्तियाज के रेलवे कॉलोनी स्थित आवास में चोर ने दीवार तोड़कर हजारों रुपए का सामान चुरा लिया। चोरी की गई तरफ से चोरी की घटना को अंजाम देने के दौरान आवाज सुनकर पड़ोसी जग गए और चोर गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि छुट्टी पर घर के सभी लोग गांव चले गए थे और घर को सूना पाकर चोर की तरफ से ईंट की दीवार तोड़कर घर के अंदर चोर चले गए और चोरों ने बैग में रखे जेवरात, पैसा समेत अन्य सामान भी चुरा लिया। फिलहाल रेल थाना पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाहर गए थे, हुजूम बना हुआ, उससे फिर पूछे तो पता चला कि चोर पकड़ा गया और जीआरपी के हवाले कर दिया गया। क्या सामान से चोरी हुआ? ये सामान हुई है, एक इलेक्ट्रॉनिक हेयर कटिंग मशीन है, उसके साथ चार्जर है और बच्चे का गुल्ली जिसमें पैसा रखे हुए थे वो। पीलीभीत में कुछ दिन पहले हुई लगातार बारिश और बारिश से हुई तबाही के चलते जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का सर्वे कार्य टीमों की तरफ से क्षेत्र में भेजकर आंकलन किया जा रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी मंडियों में किसानों की तरफ से धान सेंटरों पर धान तोल को लेकर निरीक्षण भी कर रहे हैं, जिससे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। लगातार बारिश से किसानों की कमर टूट चुकी है और किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए मंडी में दर दर भटकना पड़ रहा है। एक किसान मंडी समिति पूरनपुर में आरएफसी प्रथम पर धान बेचने गया। वहां सेंटर प्रभारी राम कैलाश सोनकर ने किसान के धान को मानक के अंतर्गत नाखूना बताया और किसान से प्रति क्विंटल 150 रुपए की रिश्वत मांगी। वहीं किसानों ने 8,000 रुपए 500 रुपए के नोटों की फोटोस्टेट कराकर धान सेंटर इंचार्ज को दिया और इंचार्ज ने रुपए किसान से लेकर जेब में रख लिए और धान तोलना शुरू कर दिया। वहीं तत्काल किसान नेताओं पुलिस कर्मियों ने उनको रंगे हाथों रिश्वत के रूपों के साथ पकड़ लिया और मामले की लिखित शिकायत कोतवाली पूरनपुर में दे दी गई है। मामला जिलाधिकारी के संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी ने कार्रवाई की तैयारी कर दी है। आरएफसी के फर्स्ट कैंप पर एक किसान रिश्वत देते हुए स्टेशन पकड़ा गया, क्या मामला था? ये जानकारी अभी मैं मंडी में आया तो उसके बाद मेरे संज्ञान में लाई गई है। इसमें जो व्यक्ति इसमें जिम्मेदार हैं उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और एक जांच समिति एडिशनल एसपी और एडीएम साहब के अंतर्गत बैठाई गई है जो उसकी फर्दर तफ्तीश। यहाँ पे जैसे मैं सुबह धान लेके आया तो मेरे धान का कुछ 1.5 क्विंटल डस्टर लगा के तो इन लोगों ने मानने के लिए धान थोड़ा सा लिया। पहले मॉचर चेक किया गया, उसका मॉचर आया 14.7। बोले मॉचर ठीक है, अब हम इसको मानक में देखते हैं मानक में है कि नहीं। तो इन लोगों ने थोड़ा चेक किया, चेक करने के बाद बोले कि ये धान मानक में नहीं है, हम इसे नहीं तोलेंगे। तो हमने कहा भाई मजबूरी है, तोलो आप लोग, क्या हम कहाँ लेके जाएंगे इसको? तो बोले नहीं मानक में नहीं है। तो मैंने कहा मानक में कैसे आएगा? तो मुझे पकड़ के थोड़ी दूर ले गए, बोले बताते हैं कैसे मानक में आएगा। बोले कि ऐसा करो 150 रुपये क्विंटल के दो फिर मानक में आएगा जी। तो मैंने कहा मैं 150 रुपये तो मैं नहीं दूंगा। बोले चलो तुम्हारा धान कुछ सही है, आप 100 रुपये दे दो। सर मामला ये है कि हमारा एक काश्तकार भाई यहाँ धान लेके आया था, उसका धान मानक में ना होने का बहाना लगा के रिजेक्ट किया जा रहा था और उसी के लिए इन्होंने रिश्वत मांगी थी। तो भाई ने क्या किया कि पर्दाफाश करने के लिए रिश्वत जो नोट दे रहा था उसका फोटोस्टेट कॉपी करवा लिया और वो नोट दिए। उसके बाद जब पुलिस को बुला के और सब लोगों के बीच में उसकी जेब में से नोट निकाले, सेम मैच हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।